प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी गुत्थी को सुलझा पाना बहुत मुश्किल है, जो विज्ञान से भी परे हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी झीलों के बारे में जो अपने आप में गहरे राज छुपाए बैठी हैं। नंबर एक, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील इंडिया के उत्तराखंड में ग्लेशियर के बीचों बीच स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 16,470 फीट है। इसकी गहराई लगभग 2 मीटर है। इस झील का एक इतिहास है जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। ये झील लगभग 300 मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि ये मानव कंकाल 1200 वर्ष पुराने हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार इनकी मौत सिर और कांधों पर चोट लगने की वजह से हुई। पर प्रश्न ये है कि इतनी ऊंचाई पर इतने सारे लोग एक साथ कैसे और क्यों आए, और इनको किसने मारा? एक और सोच के अनुसार ये भी माना जाता है कि यहाँ भारी ओलावृष्टि हुई होगी और जिसके कारण इनकी मौत हो गई, और ओलों का साइज क्रिकेट गेंद के बराबर रहा होगा। पर अगर ऐसा है तो सिर और कांधों पर ही चोट क्यों लगी है, और सिर के किसी भाग पर क्यों नहीं है? ये सवाल जहां का तहां है, जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। नंबर 2, लोनार झील। लोनार झील को लोनार क्रेसर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। माना जाता है कि ये झील दुनिया की सबसे बड़ी कटोरे के आकार की झील है। इसका व्यास 1.2 किलोमीटर है। कुछ का मानना है कि इस झील की उत्पत्ति उल्का के पृथ्वी के टकराने से हुई है, और कुछ मानते हैं कि एक ज्वालामुखी था जो बाद में शांत हो गया और झील का रूप ले लिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये झील 62,000 वर्ष पुरानी है। नंबर 3, वोस्टक झील। वोस्टक झील अंटार्कटिका के पूर्व में स्थित है। ये मीठे पानी की झील है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3400 मीटर है। इस झील का नाम वोस्टक स्टेशन के नाम पर रखा गया है। इस झील के ऊपर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस झील में लगभग 500 से ज्यादा स्पीशीज है, जिनका अध्ययन करने के लिए इस झील की परत को तोड़ा गया, जिसको तोड़ने में लगभग 10 साल लग गए। इसमें दुनिया के सबसे बड़ा ऑक्टोपस मिला है, जिसकी लंबाई लगभग 30 मीटर और वजन 1 टन के करीब है। इसमें कुछ और भी ऐसी स्पीशीज है जो और कहीं दुनिया में नहीं पाई जाती, और अभी भी उनके ऊपर अध्ययन चल रहा है। नंबर 4, पिच झील। पिच झील दुनिया की सबसे बड़ी डामर से भरी हुई झील है जिसमें लगभग 10 मिलियन टन से भी अधिक डामर भरा हुआ है। यह लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है। नंबर 5, लॉस्ट झील। लॉस्ट झील माउंट कूट फॉरेस्ट में स्थित है। इसमें सर्दियों में ये झील पानी से भर जाती है और गर्मियों में पानी गायब हो जाता है। कहा जाता है कि इस झील में 2 बड़ी लावा ट्यूब है जो गर्मियों में सारे पानी को सोख लेती है और सर्दियों में पानी ऊपर रुक जाता है। पर यह सिर्फ एक अनुमान है, सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। हिलियर झील। ये झील ऑस्ट्रेलिया में है और इसका पानी पीले कलर का है। इसका पानी हमेशा पीला दिखता है। इसकी खासियत यह है कि इस पानी को अगर अलग जार में डालें तब भी ये पीला ही रहता है। ऐसा क्यों है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर साइंटिस्ट का मानना है कि इस झील में बैक्टीरिया और एल्गी होने के कारण ऐसा है। नंबर 7, बाइकल झील। ये झील अपने आप में एक रहस्य है, और ये माना जाता है कि ये झील दुनिया की सबसे पुरानी झील है। इस झील के आसपास बहुत से विचित्र घटनाएं हुई हैं, जिनका खुलासा आज तक नहीं हुआ। माना जाता है कि इस झील की गहराई 100 मीटर से भी ज्यादा है। इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के कारण हुआ है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का 20% से भी ज्यादा मीठा पानी इस झील में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस झील में बहुत बड़ा जल दानव रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस झील के ऊपर UFO को भी देखा गया है। क्या सच है क्या झूठ है, इसका पता लगाना मुश्किल है।